अरे वाह यार, भाभी सोते हुए कितनी सेक्सी लग रही है। काश अगर मेरी शादी भाभी के साथ हो जाती। मुझे ना भाभी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर क्या करूं, भाभी तो चली गई है भैया के पास। अब तो सिर्फ देख देख के मन भरना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, आज थोड़े बहुत मज़े मैं भी ले लूं। एक बार भाभी हाँ बोल देना, फिर तो मैं वो सब अच्छे से करूँगा। बस एक बार भाभी मान जाए। अरे देवर जी, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाभी, वो ना मैं कुछ सामान ढूंढने के लिए आया था। तो आप गेट नोक भी तो कर सकते थे, आप बिना परमिशन के सीधा मेरे रूम में आ गए। और आपको पता है ना मैं सॉरी थी। हाँ हाँ भाभी, मुझे पता था आप सो रही थी, इसलिए मुझे लगा आपको बिना डिस्टर्ब किए मैं अपना सामान ले लेता हूँ, और वो गलती से आपको हाथ लग गया। ये गलती ना दोबारा मत करना, वरना मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी कि तुम बिना बताए मेरे रूम में आ जाते हो। ठीक है भाभी, मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा। पर भाभी मैं आपको एक बात बोलूँ? बोलो। भाभी वो ना मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और जब से आप इस घर में आई हो ना, मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पाता हूँ। मेरी पूरी नज़र सिर्फ आपके ऊपर ही रहती है। भाभी देखो, जो सब आप भैया के साथ करते हो ना, मुझे भी आपके साथ वो सब करना है। देवर जी, आप जी क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपकी भाभी हूँ, आपकी माँ समान, और आप मेरे साथ इतना गलत काम करोगे? अरे भाभी तो क्या हुआ, देखो ये बात ना सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी, भैया को ये बात पता ही नहीं चलेगी। नहीं नहीं देवर जी, निकलिए यहाँ से, ये तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी तुम्हारी सारी बातें। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ये सब भैया को मत बताना। अगर भैया को पता चल गया वो तो मुझे बहुत मारेंगे और इस घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं ठीक है, अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। पर सोच लो भाभी, भैया भी काफ़ी दिनों से घर के बाहर गए हुए हैं, आपका भी तो मन करता होगा ये सब करने का। सोच लो भाभी, ये मौके बार बार नहीं आते। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी। अच्छा सुनो तो, अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी चले जाओगे क्या? भाभी आपने मुझे जाने के लिए बोला तो मैं तो जा ही रहा था ना। अच्छा, इतनी देर से खड़े खड़े डायलॉग मार रहे थे तो मेरा भी मन बदल गया। अच्छा। तुमने सही कहा था, तुम्हारे भैया तो यहाँ पर रहते नहीं हैं, मैं भी बहुत प्यासी हूँ काफ़ी दिनों से, सोचा तुमसे प्यास बुझा लूँ। हाँ क्यों नहीं भाभी, मैं तो कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था, और आज वो पल आ ही गया, तो जल्दी से शुरू करें। हाँ शुरू करते हैं, वरना कोई आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, अब तो कौन ही आएगा, भैया घर पे है नहीं, सिर्फ घर पे आप और मैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। पर हाँ अभी एक बात का ध्यान रखना, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। अगर ये बात भैया को पता चल गई ना, वो तो आपको भी और साथ में मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे देवर जी, अब क्यों परेशान हो रहे हो, इसके बारे में ना किसी को नहीं पता चलेगा। अब तुम सारी बातों को छोड़ो ना, टाइम मत वेस्ट करो।